बिना पानी की जिले, पानी में सालाना करोड़ों रुपए खर्च, पानी में 5 लाख गार्डन की देखभाल के कभी में भी सिल में पलील तो बाकी में पानी ही नहीं। सूरत के भेस्तान गार्डन में जिले पानी के बिना लागत साल 5 पानी में, जिले पानी में रखखार की कमी, जिलों में हरा पानी नहीं है। और दुनिया के सबसे बड़ी घड़ी उद्यान की दयनीय स्थिति, रख रखाव के अभाव में शहर के तालाबों के बागों की स्थिति नर्क जैसी हो गई है। नतीजन लेक गार्डन के विकास पर सालाना लाखों डॉलर खर्च किए जाते हैं। किसी जिल में पानी है लेकिन नगर पालिका ने समय समय पर इसकी सफाई नहीं की तो वनस्पति उगाई है। सालों पहले लेक व्यू गार्डन, उगट बॉटनिकल गार्डन, सुभाष गार्डन, उल्थान गार्डन और कतारगाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी सहित लेक गार्डन में बोटिंग की सुविधा की, लेकिन वर्तमान में लूला बचाव पालिका जिल में पानी की रक्षा कर रही है, लेकिन कई महीनों से जिल में पानी रखने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है। वर्तमान में श्यामा प्रसाद मुखर्जी लेक गार्डन में केवल बॉटनिकल गार्डन, उगत बॉटनिकल गार्डन के तालाब में पानी है, लेकिन पौधों की सफाई नहीं होने से पीलिया बढ़ गया है। नगर पालिका की निष्क्रियता के कारण लंबे समय से नौका विहार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाई है। नगर निगम चुनाव खुला, जिस झील में पानी है उसमें वनस्पति नौका विहार की सुविधा नहीं है। गार्डन भीमराड के लेक गार्डन में मानसून के दौरान ही पानी भर जाता है। तालाब में पानी जमा करने के लिए नगर पालिका की ओर से कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। नतीजन झील का तल दिखाई देता है। सुभाष लेक गार्डन का 2 करोड़ रुपये की लागत से पुनर्निकास किया गया है। झील में नौका विहार के लिए आधारभूत संरचना के, लेकिन नौका विहार की सुरक्षा शुरू नहीं हुई है। उद्यान विभाग का कहना है कि बोटिंग के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पाल झील उद्यान में टपकता पानी नहीं है। झील पर ऐतिहासिक होप पुल का एक हिस्सा प्रदर्शित है, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों ने पानी की कोई व्यवस्था नहीं की है।